अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं 7 बजे उठा था। 7 बजे उठ के छोटे मोटे जो काम थे घर के डेली, सब लोग जो करते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है, वही सब काम मैं घर पे उठ के सुबह करता हूँ डेली। सुबह उठा 7 बजे, उसके बाद फ्रेश हुआ पहले, उसके बाद वीडियो एडिट करके अपलोड किया, फिर पौधों में पानी डाला सारे पेड़ में जितने भी थे। अभी फ़िलहाल 8 बज चुके हैं, वीडियो एडिट करते करते टाइम हो गया और अभी पानी आ रहा है, सो पानी भर रहा हूँ। पानी भर के साइड बाई साइड में पानी गर्म होने भी रखा हूँ, सो जब तक वो पानी गर्म होता है तब तक मील अपनी प्रिपेयर कर लेता हूँ, अपना जो ब्रेकफास्ट है, और फिर उसके बाद चलते हैं अपना नहा के मील खा के निकलेंगे हम लोग 9:30 बजे। सो एक घंटा है हम लोग के पास, फिर नहा के निकलना है, फिर पूजा करना है। सो तब तक करने में पूरा 9:30 बज ही जाएंगे। सो चलता हूँ, अभी अपने सब काम निपटाता हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग सीधा ऑफिस के लिए और चल के देखते हैं आज का मॉर्निंग शिफ्ट कैसा रहता है और दिन भर की जो भी अपडेट रहेगी आप लोग के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सो यार गाइस, मैं नहा चुका हूँ और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 9:05। फटाफट मैं जा रहा हूँ अपना मील फिनिश करने, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है। सो चलता हूँ अभी। मैंने ये, मेरे पास चारी सिर्फ ब्रेड के स्लाइसेस बचे थे, तो मैंने एक स्लाइस में एक सैंडविच जैम का बना लिया है, जैम ब्रेड, एंड दूसरे स्लाइस में जो मेरा रेगुलर पीनट बटर सैंडविच रहता है वो है। सो चलता हूँ अपना ये मील फिनिश करता हूँ, साथ में मैं ये रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड चना कैरी कर रहा हूँ टिफिन में, मिड में जब भूख लगती है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत लेके खाते रहने का। सो चलता हूँ अभी, ये फटाफट सारे मील फिनिश करता हूँ, सारा काम हो चुका है, बैकपैक करता हूँ और फिर निकलता हूँ सीधा मैं ऑफिस के। सो गाइस, हम लोग लंच के बाद आ चुके हैं बाहर थोड़ा वॉक पे और अभी मैं जस्ट मेरे ऑफिस के, मेरे स्टोर के पीछे हूँ, ये पीछे 17 प्लाजा चेक करो, और आसिम भाई और मैं हैं, साथ में पनवेल स्टोर का भी एक स्टाफ है। सो अभी चलते हैं थोड़ा यहाँ पे राउंड मारते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फिर स्टोर पे अपना काम करते हैं। बाकी एक बुरी खबर है, मेरा स्टेट शिफ्ट करना पड़ेगा आज, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चेक करो, ये जो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है आप लोगों के सामने, यही है मेरा स्टोर, फ्रंट साइड में स्टोर है, यहाँ पे पीछे मैं बैक साइड में हूँ। सो शूज़ पहन के बाहर आ गया हूँ मैं, थोड़ा बचाना पड़ेगा बारिश की वजह से, शूज़ ख़राब हो जाएंगे वरना मेरे। सर गाइज, रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं इस वक्त अभी तक स्टोर में ही हूँ क्योंकि मेरा हो चुका है बहुत ही बड़ा पॉपअप। मेरा आज मॉर्निंग शिफ्ट था, मैं सोचा था आराम से 7:30 बजे यहाँ से निकलूँगा और जाऊंगा घर पे, एंजॉय करूंगा, मस्ती करेंगे, कल वीक ऑफ है। लेकिन आज स्टोर में स्टाफ के शॉर्टेज होने की वजह से और मैनेजर आज किसी दूसरे स्टोर चला गया, मेरे ये स्टोर का मैनेजर, अराउंड 5-6 बजे, सो मुझे स्टेट शिफ्ट करनी पड़ी। स्टेट शिफ्ट यानी आपकी जो शिफ्ट है उसके अलावा जब आप रुकते हो नॉर्मल शिफ्ट के, सेकेंड शिफ्ट के टाइम पर, उसको स्टेट शिफ्ट बोलते हैं रिटेल में। तो ना चाहते हुए भी मुझे ये स्टेट शिफ्ट करनी पड़ी और मैं अभी 8:30 बज रहे यहीं बैठा हूँ। मैंने पूरा बैकपैक रेडी करके लाया था, उसमें मेरे ट्रैक पैंट थे, टी शर्ट था, प्री वर्कआउट में बनाना और क्रिएटिन सिट्रोलिन था, सब किए कराए पे, सब प्लान पे पानी फिर चुका है। सो कोई नहीं, अभी करना पड़ेगा बिकॉज मैनेजर के बाद स्टोर संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो इस वजह से मैं रुका हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं और 1.5 घंटा 2 घंटा 10 बजे स्टोर बंद करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। अभी फ़िलहाल ये बनाना खाता हूँ, भूख लगी है, थोड़े रोस्टेड पीनट्स और रोस्टेड चना लेके आया था वो भी खाता हूँ, उसके बाद फिर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। बाकी चेक करो, पूरा स्टोर खाली पड़ा है, सब लोग बैठे हैं आराम से, बट मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। सो चलो चलता हूँ, ये एंजॉय करता हूँ अपना बनाना और मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज के पूरे दिन भर की। पहले तो मैं चलूंगा डिनर करूंगा, उसके बाद आप लोग को फुर्सत में बैठ के बताऊंगा कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ। और अभी फ़िलहाल 11:30 बज रहे हैं आज, लकीली मैं जल्दी पहुंच चुका हूं घर पे, नॉर्मली 15-20 मिनट और लेट होता है मुझे आने में। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपना डिनर करते हैं। आज डिनर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग डिनर है, चेक करो। आज के डिनर में है भजिए, पाव और चटनी है साथ में। सो यहाँ पे 2 टाइप की भजिया, एक ये उड़द की भजिया लग रही है और बेसन की है, शायद ये एक बेसन की है। सो प्याज और बेसन की
प्याज के भजिए और साथ में है पाव। सो चलता हूँ, आज का ये कुछ डिफरेंट डिनर करते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, मैं लिटरली आप लोग को बताता हूँ, आप में से कितने लोग के घर में ये चीज़ होती है नहीं होती मुझे पता नहीं, बट हमारे घर में तो रेगुलर बेसिस पे लाइक हर महीने में ऐसे जो अलग टाइप के चीज़ें होती हैं वो बनती है। जैसे कभी भजी पाव या वड़ा पाव बन गया खाने में सिर्फ, कभी सिर्फ पानी पूरी बन गई, सब लोग सिर्फ पानी पूरी खा के ही पेट भर लेते हैं, कभी पाव भाजी बन जाती है, मिसल पाव बन जाता है, फिर पिज्ज़ा बन जाता है। सो ये सब चीज़ें मिडिल क्लास घर में होती रहती है, बिकॉज आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर से नहीं खा सकते, वहाँ का हाइजीन कैसा है, वहाँ का टेस्ट कैसा है, दूसरा ऊपर से पैसे जा रहे हैं वो अलग। ये घर पे खुद का होममेड बना के खाना और अनलिमिटेड खाना पेट भरने तक, उसका अलग ही फीलिंग होता है, अलग ही एन्जॉयमेंट होता है। सो इस वजह से आज मेरे घर में ये बना था, चाचा के घर में ये बना था। सो आज के डिनर में यही खाएंगे, और पहले भूख लगी और मुंह में पानी आ रहा है भजिया देख के, फटाफट डिनर करता हूँ पहले फुर्सत में, फिर मिलता हूँ आप लोग से मैं। सो गाइस वेलकम टू आवर एंड, और आज ब्लॉग एंड करना है ना, तो आज आशीष आपको उसकी पूरी दिनचर्या बताएगा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, डायरी को ऐसे बताते हैं वैसे। कितना बज रहा है? तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 1 बज गया ऑलमोस्ट। आपको और अभी एक सीरीज हमने खत्म की है, हाँ क्रिमिनल जस्टिस की सीरीज है, पंकज त्रिपाठी ने बहुत सही काम किया है, एकदम मेरे जैसे, क्या ही बताओ अब। हंस क्यों रहा है, सच तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं काम करता हूँ सही, तो वैसे सही काम किया उसने वो एक्टिंग का वगैरह। तो देखते हैं अभी आशीष क्या बोलता है, आप सुनिए गौर से और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। चलते हैं हम आशीष के पास। ए आई एम न्यू टू दिस, एक देना चाहूंगा, बहुत गंदी ब्लॉगिंग करता है तू, अच्छा हुआ तू ब्लॉगिंग नहीं। तुझे बता रहा अगले 2 महीने में नहीं यूट्यूब चैनल खोल के अच्छा ब्लॉग करना स्टार्ट किया तो बोलना, तू बस देख गाइस मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ यूट्यूब पे। आप उन दोनों साथ में व्लॉगिंग करेंगे, आप उन दोनों साथ में राइडिंग पे जाएंगे, व्लॉग करके बड़ा चैनल बनाएंगे, ये वो ट्रैवल वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, सब करेंगे। लेकिन उसका वो दिन आ ही नहीं रहा है, कभी बोलता है कॉलेज खत्म होने के बाद करेंगे, कभी बोलता है एग्जाम खत्म होने के बाद करेंगे। वो बंदा है ना भाई, वैसे ये भी अब देखते इसका 2 महीने नहीं, नहीं एक्चुअली मैंने बीच में स्टार्ट भी किया था, तुझे पता है उस बारे बीच में नहीं, वो उसको 3 साल पहले 4 साल पहले की बात है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट क्या करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता हूँ तो उसके साथ कंटेंट मेरा अच्छा आना चाहिए। इसके से ऐसा नहीं कि मैं दूर जाऊँ कहीं जाऊँ, मेरे पास होता नहीं वो सब, तो देखते हैं उसके लिए एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है, तो वो भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसे कैसे लगेगा कुछ। इसलिए बोला तू चैलेंज मत ले, 2 महीने में नहीं कर पाएगा तू चैलेंज, हाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। कैमरा तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है तेरे को, पर तू मेरे साथ रहा है, तुझे पता है मैं किस फोन से व्लॉगिंग स्टार्ट किया, वो सोनी एक्सपीरिया, सोनी एक्सपीरिया। तो मैं वो जब कैमरा क्वालिटी से वीडियो रिकॉर्ड कर, अरे बट वो टाइम अलग तेरे, उस टाइम इतना कुछ नहीं था। अरे भाई मतलब था वो भी था बट स्टिल, तब कितना सब्सक्राइबर्स था तेरा, 100-150 तो हमें बनाए थे, तो वही तो वो मैंने हर चीज से मैंने स्ट्रगल किया है ना, 7,000 पे पहुंचा हूं, वो भी आईफोन से। यहां तक कि मेरा पहला वीडियो भी सोनी एक्सपीरिया पे निकला है वो, तेरा वाला वीडियो। आपको बाद में बताऊंगा कभी जब मेरा चैनल खुलेगा तब की मेरा पहला वीडियो कौन सा था। तो मैं जल्दी चैनल खोल रहा हूँ, बस कॉन्टेंट फिगर आउट कर रहा हूँ और थोड़ा सा टूल्स वूल्स लगते हैं ना, तो देख रहा हूँ कहाँ से कैसे कर सकते। देखो अभी तो इतने पैसे नहीं कि आईफोन ले लो, वरना मैं ले लेता, लेकिन अभी हम लोग आते हैं व्लॉग के एंड पे। आपको आशीष बताया क्या करना है, नहीं क्या किया, क्या किया है और क्या किया नहीं है, एक छोटा सा बात है बस मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ जो भी बोल देना है ठीक है, ओके ओके डन, चलो। मैं खाली मेन वही बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, आज मेरा स्टेट शिफ्ट कैसे हुआ। सो स्टोर में खाली 4 स्टाफ थे, 1 मैनेजर था, 5 लोग थे टोटल, और बस 5 लोग। अबे सुन जरा, सुन जरा सुन जरा सुन जरा, मैनेजर को जाना पड़ा 5 बजे, मैनेजर को जाना पड़ा स्टोर दूसरे स्टोर में। सो अब क्लोजिंग करने के लिए कोई सुपरवाइजर नहीं था, तो मजबूरन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुझे स्टेट शिफ्ट करनी है, और तू 7:30 बजे की जगह 7:30 बजे की
तो गाइस अभी हमने लिया है पॉज, आशीष का दिमाग हो गया है पॉज, तो दो मिनट रुके उसको सोचने दीजिए, वो थोड़ा सोच रहा है। 7:30 बजे के बजाय तुझे स्टोर क्लोज करके जाना है 10:30 बजे, और तो मतलब उसे टोटल 14 घंटे की ड्यूटी करनी है, काइंड ऑफ 8:30 9:30 14 घंटे करना, मतलब 13 से 14 घंटा नहीं रे 12 घंटा हुआ ना, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मैंने 3 घंटा एक्स्ट्रा किया। तू कितने बजे गया था? 10:30 बजे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ 7 बजे गया था। सो हुआ यू कि अब वो तो ठीक है, खैर मैं रुक भी गया, नो वरीज नो इशू, काम काम है कभी, अब मैं रोज जल्दी आता हूँ यार, टाइम पे थोड़ा लेट ही पहुंचता हूँ, तो कभी रुक गया 2-3 घंटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वहां आके फंसी कि जैसे ही स्टोर क्लोज होने का टाइम आया समवेयर अराउंड 10 बजे लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो आप लोग को मैंने मेरे स्टोर का जो शटर दिखाया वो ऑटोमेटिक शटर है, वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, वो हैंडल शटर नहीं है कि आप मूव करते रहो और वो डाउन हो जाए। अब 10 बजे लाइट कट गई, अब लाइट 10:30 बज गए, स्टोर क्लोज, मतलब हम लोग ने क्लोजिंग वगैरह सब कर दिया और लाइट अभी भी नहीं आई थी। सो मजबूरन मुझे मेरे एक स्टाफ को, जो मैं सुपरवाइजर हूँ, वो एक सेल्स एसोसिएट के पोजीशन पे है, तो उसको मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने स्टेट शिफ्ट की थी और मेरा कल वीक ऑफ है सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं मेरा वीक ऑफ खराब नहीं करना चाहता था। सो मैंने मजबूरन उस बेचारे को वहां पे रुकवाया कि भाई रुक, ये चाबी ले और जब लाइट आएगी ये शटर डाउन करके अच्छे से डोर लॉक करके सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में चाबी दे। देख सकते हैं आप कितने सेल्फिश होते हैं लोग। तो अच्छा हुआ मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया था पूछने के लिए क्या अपडेट है। 12:30 बजे वो बंदा स्टोर बंद करके निकला था, मतलब 12:30 बजे लाइट आई थी। सो मतलब वो कितने देर बैठा वहां पे? 2 घंटा, 10:30 से 12:30। ओह माय गॉड। और मैं अगर 12:30 बजे रुका होता तो मेरे को ट्रेन वगैरह कुछ नहीं मिलती, तो मैं फंस जाता, तो उसको कैसा है वो रिक्शे से लेके गया, कल रिइम्बर्समेंट करवा लेगा वो मैनेजर। देख सकते हैं कितने सेल्फिश लोग हैं। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी मेरे आज के स्टेट शिफ्ट की। अब चलते हैं, 1:30 बजने वाला है, हम लोग ने मूवी एक एंजॉय की, अगर नींद अभी भी नहीं आई तो और एक मूवी देखेंगे, बातचीत करते हैं। सिर्फ मैं और शिवराज है, प्रथमेश भी नाइट शिफ्ट पे है, आदित्य भी नाइट शिफ्ट पे जॉब पे गया, कल है वीक ऑफ तो कल भी करेंगे मस्ती मजाक। अभी चलता हूँ, फिलहाल आज के ब्लॉग को करूंगा अब यही पे एंड। आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।